पटना गुस्से में है, पटना को इंसाफ चाहिए, पटना मांग रहा है जेल उन दरिंदों के लिए जिन्होंने एक लड़की को हवस का शिकार बनाया, MMS तैयार किया, उनके चेहरे जग जाहिर हैं, फिर भी घूम रहे हैं खुलेआम। लड़की की मित्रता, उसमें एक लड़के से घनिष्ठ मित्रता थी, 2 साल से उसका अफेयर था, ये लड़की ने कबूला और उसी के बुलाने पर उसने कहा कि मैं दिल्ली जा रहा हूँ, 1 साल बाद आऊँगा, तुमसे मिलना चाहता हूँ। तो वो गुटफेट में उसके साथ मिलने के लिए चली गई और मिलने के लिए जब वहाँ पहुँची, वो किसी के घर पर लेकर गया और वहाँ पहुँची तो उसने पाया कि वहाँ कई लड़के हैं और जब तक वो संभलती तब तक उसके साथ उन लोगों ने सामूहिक बलात्कार की घटना शुरू की, उसके साथ गैंगरेप हुआ, वास्तव में गैंगरेप हुआ। लड़की ने लगातार विरोध किया लेकिन क्योंकि असमर्थ थी, एक अकेली लड़की और वहाँ पर कई लड़के, उसके साथ हुआ और उसके बाद बदनामी के डर से वो लड़की चुप हो गई। उसने कहा कि इसको किसी को नहीं बताएंगे, लेकिन मीडिया में आने के बाद जब हम लोग पहुँचे तो उसने अपना बयान दिया, लेकिन साथ ही साथ उसने ये भी कहा कि हम नहीं चाहते इस पर कोई आगे की कार्रवाई हो। परिवार के लोगों ने भी मना किया कि हम आगे कोई कार्रवाई नहीं चाहते हैं, लड़की पूरी ज़िंदगी पड़ी है, हम बदनामी नहीं चाहते हैं। उसके बावजूद आप लोग कार्रवाई करेंगे? नहीं, इसलिए कि ताकि सबक मिल सके, ऐसी घटना की पुनरावृत्ति ना हो, क्योंकि अगर एक घटना में लड़की चुप रह जाती है और उस पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता है तो दूसरे अपराधियों का मनोबल बढ़ेगा और आए दिन ऐसी घटनाएं बढ़ेंगी।